जैन साथियों, माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की न्यूज है अतिथि शिक्षकों के लिए। साथियों, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे और जैसा कि बहुत सारी घोषणाएं भी हुई थी कि जो अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय था यानी फिक्सेशन था वो 12 महीने के लिए होगा, लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, 12 महीने की जगह 10 महीने का मिलेगा लाभ, यानी जो अतिथि शिक्षकों का जो फिक्सेशन है वो 10 महीनों के लिए हो रहा है। अभी तक यही न्यूज है। इसके अलावा और क्या जानकारी आई है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। पूर्व से पंजीकृत को नहीं करना पड़ेगा पंजीकरण। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो कैटेगरी है। एक तो नए, जिन्होंने अब तक इसके पहले कभी स्कोर कार्ड नहीं बनवाया, अब तक कभी पंजीकरण नहीं करवाया, और एक तो वो जो पहले से पंजीकृत हैं। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा, यदि आपने पहले कभी पंजीकरण करवा लिया होगा, आपका स्कोर कार्ड बन गया होगा, तो आपको दोबारा से पंजीकरण नहीं करवाना है। पहली बात तो ये, भले आपने 5 दिन पढ़ाया हो, 10 दिन पढ़ाया हो, 1 साल पढ़ा के बाद में छोड़ दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा से पंजीकरण नहीं करवाना है। परंतु यदि बीच में आपने योग्यता में इंक्रीज कर लिया हो, जैसे आपका DLED हो तो आपने BEd कर लिया हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो, है ना, अगर आपकी योग्यता बढ़ी है या योग्यता में कुछ परिवर्तन आया है, आपने पात्रता परीक्षा निकाल ली है, तो इस प्रकार की जो अपडेटिंग जानकारी है वह अपने जो पुराना वाला जो आपका स्कोर कार्ड होगा या पंजीयन होगा उसे अनलॉक करके ये जानकारी आप दे सकते हैं। तो यदि आप ओल्ड हैं और यदि आपकी जानकारी अपडेट हुई है तो जानकारी को आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, और जैसे ही अपडेट करोगे तो आपको वहां मिलेगा ये क्या, प्रिंट आउट लेकर आपको कहां जाना पड़ेगा, आपके किसी भी संकुल जो प्राचार है उस प्राचार के पास जाकर उसे सत्यापित करना पड़ेगा, तभी वह आपका अपडेशन पूरा माना जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात एक क्लियर हो गई। दूसरी बात, नया सत्र जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 17 जून से। ध्यान रखिएगा, 17 जून से आपका नया सत्र प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, मानदेय की बात भी करी गई है। मैंने इस अखबार की जो मेन बातें थी वो मैंने अलग से लिख दी है। अगर मानदेय की बात करें तो वर्ग एक वालों को 18,000 रुपए, वर्ग दो 14,000 रुपए और वर्ग तीन वालों के लिए 10,000 रुपए मानदेय की बात सामने आ रही है। वहीं हम बात करें, अतिथि शिक्षकों का जो अनुबंध है वो 12 महीने का नहीं बल्कि केवल 10 महीने का होने वाला है। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, यानी अगर शिक्षक भर्ती में आप कभी पार्टिसिपेट करते हैं तो अतिथि शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा आरक्षण के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं, कार्य दिवस कब से प्रारंभ हो रहा है? तो कार्य दिवस 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक रहेगा, यानी वही जो 10 महीने का अनुबंध है 10 महीने का ही लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, नियुक्ति कब से प्रारंभ होगी? तो नियुक्ति जो होगी वो 17 जून से जो नया सत्र हो रहा है उसके बाद ही नियुक्ति प्रारंभ होगी। अगली बात, पंजीयन कब करवाना होगा? तो साथियों, आप सभी को जिसने अब तक पंजीयन नहीं करवाया हो, यदि आप नए हैं और आपने अब तक पंजीयन नहीं करवाया है तो आपको 15 जून से पहले पंजीयन कराना पड़ेगा। अब सर मैं तो नया हूं, मैं पंजीयन कैसे करवाऊंगा, मुझे आप ये भी समझा दीजिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपके घर में जो भी डॉक्यूमेंट है यानी जो भी आपके दस्तावेज हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, DLED हो, BEd हो, जो भी आपके पास अनुभव हो, सारे दस्तावेज को लेकर आप कहाँ जाएंगे भाई, MP ऑनलाइन के पास। जैसे ही आप ऑनलाइन शॉप पर जाओगे तो वहां पर आपको क्या करना है, आप घर बैठे भी कर सकते हो लेकिन आप ऑनलाइन शॉप से ही करवाएं, आप पर आप वहां जाके क्या करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे और पंजीकरण करवाओगे। जैसे ही आपको यहां पर पंजीकरण आपका कंप्लीट होगा तो वहां से आपको प्रिंट आउट मिलेगा, तो इस पंजीकरण का आप क्या निकलवा लेना, वहां से प्रिंट लेकर जाना, प्रिंट की दो कॉपी करवाना, प्रिंट की क्या करवाना, दो कॉपी करवा लेना, और इन सभी ओरिजिनल जो भी प्रिंट आउट के माध्यम से मिला इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको अब कहाँ जाना है, आपके संकुल प्राचार्य के पास। जब आप प्राचार्य के पास जाओगे तो प्राचार्य आपके दस्तावेजों को क्या कर देगा बच्चा, सत्यापित कर देगा। अब आपने जब सत्यापित कर लिया यानी आपकी प्रोसेस हो गई है कंप्लीट,
फिर स्कोर कार्ड जनरेट वगैरह हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया, ये तो आपको करना है, ये आपको करना है कब, 15 जून से पहले। अब जैसे 15 जून से पहले ये सब कर लोगे तो लिखा क्या है, 17 जून से स्कूल में कौन सी पोस्ट खाली है। 15 जून तक क्या करेगा, 15 जून तक आपने पंजीकरण किया, 17 जून को आपको मालूम चलेगा कि आखिर किस स्कूल में और किस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है। जैसे आपके गांव के आजू बाजू जो भी संकुल प्राचार्य हो, उस संकुल आपका जो विद्यालय हो, आपको 17 जून से ये मालूम चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आकर इस स्कूल में मैथ्स की एक सीट खाली है या सामाजिक विज्ञान की सीट खाली है एक। अगले दिन आप आवेदन करेंगे, फिर क्या करेंगे, आज आपको मालूम चल गया कि इस अमुक या एक्स वाई जेड स्कूल में ये सीट खाली है, ये पद खाली है, तो अगले दिन आप क्या करेंगे, वहां जाकर आवेदन कर लेंगे। आपने आवेदन कर लिया, अब क्या होगा, 4-5 दिन का समय लग सकता है, 4-5 दिन के अंतर्गत आपको मालूम चलेगा कि जो तुमने आवेदन किए थे, वो केवल तुमने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने भी आवेदन किया होगा, तो 4-5 दिन बाद आपको पता चलेगा कि आखिर उस पद पर किसकी नियुक्ति कर दी गई है, और जिसकी नियुक्ति में नाम आ गया होगा वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, वहां पर अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गया होगा। इस प्रकार से सारी ये प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी अतिथि शिक्षक को लेकर यदि कोई अन्य जानकारी आती है तो मैं आपको पुख्ता और सही जानकारी दूंगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।